गुरु रूप। सत्संग जी फतेह अर्ज करते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला मैं खिमा मांगदा, मेरा गला अज खराब है, लेकिन मैं कोशिश करांगा आप जी नाल दो चार गुरमत विचार दी सांझ पा सकां। मैं मुबारकबाद देना चाहुंदा संत बाबा अमीर सिंह जी नूं, जिन्होंने सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी की याद विच ये सैमीनार करवाया, और देश भर के विचों प्रमुख विद्वान शख्सियतां ने इस सैमीनार दे विच शमूलियत की है। अज बाद दोपहर जो पेपर पढ़े गए ने बड़े ही खोज भरपूर सन, विद्वतापूर्ण सन, और साबर साहब जो कि बड़े लंबे अरसे तो सानू अगवाई भी देंदे रहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च विद्या के खेत्र विच, उन्होंने हिम्मत करके जो इस सैमीनार दे पेपर पहला ही उन्होंने छपा का उपराला किया, ये वास्ते जिथे मैं बाबा जी नूं बाबा अमीर सिंह जी नूं मुबारकबाद दिना, उत्थे डॉक्टर साबर साहब नूं भी मुबारकबाद दिना। सतसंग जी मैं बहुता समा नहीं लवांगा क्योंकि मैं देख रहा काफ़ी समय तो आप बहुत ही धीरज नाल विचार सुन रहे हो। दो तीन चीज़ा जड़िया मेरे जहन च ने, एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे, एक श्री गुरु ग्रंथ साहब विश्व यूनिवर्सिटी की स्थापना बारे, और एक जिहड़ा अज दा सैमीनार है जो ये टकसाल योगदान पा रही है सिक्खी के प्रचार के प्रसार बारे, ये बारे मैं थोड़े नाल ब्रीफ गलबात करनी है। सौ साल पहला जो अंग्रेज राज सी ता उन्होंने भारत विच जो विश्वविद्यालय खोलने की प्रथा शुरू की थी, सब तो पहला उन्होंने तीन कॉलेज खोले, और उस तो बाद उन्होंने यूनिवर्सिटियां की स्थापना शुरू की थी। एक समा आया कि उन्होंने अलीगढ़ विखे मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, बनारस विखे हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, ते अमृतसर विखे उन्होंने सिख यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखिया। मैं समझदा कि साड़ी कौम उदों पछड़ गई, असी वो विश्वविद्यालय नहीं बना सके, असी यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। उस तो बाद फिर भी कुछ समय आते रहे, लेकिन पिछले तकरीबन 20 साल तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पद्धर से यह गलबात चलनी शुरू हुई कि सिखां वास्ते एक अलग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए है। ये बारे कमेटियां बनिया, विचार वटांदरे हुए, तो 2004 दे विच सरदार प्रकाश सिंह बादल जो कि मुख्यमंत्री पंजाब ने, उन्होंने गुरतागत की गुरु ग्रंथ साहब जी की चौथी शताब्दी से ऐलान किया कि गुरु ग्रंथ साहब जी के नाम से एक सिख यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ये वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक एक्ट, एक पहला ट्रस्ट बनाया गया, और 2008 दे विच एक विधानसभा दे विच पंजाब विधानसभा च एक्ट पास करके ये यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। दो सैशन पहला इस यूनिवर्सिटी के पढ़ाई शुरू हुई, इस वेले तकरीबन 1800 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में दाखिल ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1937 सब तो पहला खालसा कॉलेज बंबे शुरू किया। ये कॉलेज शुरू करने का मंतव सिक्खी का प्रचार से प्रसार ही सी। उस तो बाद अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 40 तो वध कॉलेज ने, 75 तो वध स्कूल ने, और ये यूनिवर्सिटी अलग तौर पर स्थापित की गई है। इन
ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਨੇ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, 12 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਝ ਸੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ SGPC ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰਿਟੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? 700 ਕਰੋੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਭਾਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22,000 ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਈਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 150 ਰਾਗ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
बहुत माड़ी दशा सी साड़ी धार्मिक समाजिक आर्थिक फिलोसॉफिकल हर पक्षों। और मैं बड़ी खुशी है जो बाबा जी ने आज दसिया कि गुरु ग्रंथ साहब जी की मानवता को देने बारे एक बहुत वड्डा इन्होंने सैमीनार किया, किताब भी इन्होंने छापी है। जे आप गल करिए सब तो पहला आके जातों को दूर करने की गल गुरु नानक देव जी ने की, इसी जाति के सन्मान की गल गुरु नानक देव जी ने की, वातावरण की गल सिक्खी तो शुरू हुई, लंगर की परंपरा सिक्खी तो शुरू हुई, शहादत की गल सिक्खी तो शुरू हुई। इदा किन्ने कि विषय ने जिथे आके साडे समाज के क्रांतियां आई। और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं अज एक बेनती करना चाहुंदा, गुरु नानक देव जी ने साडा जिंदगी का फलसफा बहुत ही सिंपल कर दिता, किरत करो नाम जपो वन छको दैट्स ऑल। असी फिर वो कंप्लीकेटड करी जाने, उन्होंने जाके हरिद्वार जिहड़ी गल उत्थों दे पांड्यां नूं कही, कुरुक्षेत्र जाके जिहड़ी गल कही, बाकी जगह ते कही, असी भी उस रिचुअल दे विच मुड़ के साडी सिख कौम मैं कई वारी देखदा वह मुड़ के फसती जा रही है। जे आप गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ की गल करिए तो आप गल शुरू कर ली खंड पाठ साहब के, सिंह साहब हुणे गए ने, बाबा जी भी बैठे ने, बहुत ही विद्वान बैठे हो, तुसी भी बैठे हो। मैं बेनती करना चाहना कि खंड पाठ साहब करवाना बहुत अच्छी गल है, तो अच्छी गल है जे थोड़ा सारा परिवार उत्थे बैठ के खंड पाठ साहब सुनो सरवण करो। मेरे घर च भी इदा ही हुंदा सी, खंड पाठ साहब शुरू कराता कोई बंदा नहीं बहिंदा, सब अपने अपने, विआह का मौका है सब बिजी है, जन्मदिन का मौका सब बिजी है, जे कोई पूरा हो गया तो अफसोस करन च बिजी है। और साडे दिमाग ते साडे सिख समाज के दिमाग ते एक बोझ पाता कि जे महत्वपूर्ण मौकों से खंड पाठ साहब ना कराया तो फिर पता नहीं शायद साडे जिहड़े समारोह ने रीति रिवाज शायद वो पूरे नहीं होंगे। कोई साढ़े गुरु साहबान ने इदा का आदेश नहीं दिता। ये जो सिख मिसलां ने जो शुरू की अपनी पंजाब दे विच पिंडां नूं जितना शहरां नूं जितना उस वेले खंड पाठ साहब की प्रथा शुरू हुई। मैं बेनती करना चाहना कि जरूर कराओ खंड पाठ साहब, लेकिन सहज पाठ करना उस तो भी उत्तम है, आप पाठ करना उस सब तो उत्तम है, उहदे वर्ड मीनिंग समझ लैने सब तो उत्तम है। जे इतों आप शुरू करांगे अपने बच्चों समझावांगे तो वह उसका मैं समझदा साडे सिख समाज को बहुत फायदा होएगा। मैं फिर बेनती करा कि साडी कोशिश है, मेरे को एक सिंह आए कि असी कैनेडा दे विच पंज बाणियां दा उल्था कीता, मैं कहा जी लियाओ। एक आया जी कि असी तेलुगु दे विच जपजी साहब दा कीता, असी कोशिश कर रहे हैं पहला तो इतों गल शुरू करिए कि हिंदुस्तान दी जिहड़ियां प्रमुख बोलियां ने उत्थे लोगों नूं पता तो लगे, एवें आपां भुलेखे च ना रहो, हिंदुस्तान ते बहुते लोगों नूं सिक्खी बारे नहीं पता, बाहर तां जो दस्तार दी अपनी गल हो रही है वह तो मीडिया विच आ रही है। अज ही मैनूं अखबार वाले ने पुछा जी क्वेबेक दे विच कनेडा दे विच उन्हां ने दस्तार ते पाबंदी लाउण दी सोच ली। सो इन्ने इशू ने, मैं तो जो इशूआं की गल करदा तो घट्टो घट्ट 40-50 इशू लभदे ने जिहदे ते सानूं गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी नूं शुरुआत करन दी लोड़ है, हाले तो पहले कदम चुकन दी लोड़ है। मैं कई विद्वानां दे नाल उन्हां तों बुलाया, उन्हां तों सीध लई है, साबर साहब भी बैठे ने, असीं कि वड्डे पद्धर ते सिख विद्वानां दा इकट्ठ करन दा सोच रहे हैं कि आ के सानूं सीध देण कि कहड़े कहड़े पासे असीं पहलां खोज दे कार्ज लंभीए। जे सिख स्रोतां दी गल करिए, जिदा नौजवान ने कहा सीगा सिख स्रोत इकट्ठे करने, उन्हां दी खोज करनी, उन्हां दी अथेंटिसिटी करनी, इट विल टेक ईयरस टूगैदर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह पटने साहब दे विच उन्होंने बड़ा लंबा अरसा गुजारिया, सारा उत्थे अवतार धारिया, अज उत्थे लै के 4 गुरद्वारे ने, लेकिन उत्थे 65 स्थान इदां दे ने जिथे गुरु साहब की छोह प्राप्त है। इदां ही गुरु तेग बहादुर साहब सारा ईस्ट घूमे ने, गुरु नानक पातशाह ने किनिया उदासियां कीतियां ने। मैं इंटरव्यू कर रहा सी, एक नौजवान आया, वह कहिंदा जी गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां नहीं कीतियां, 3 कीतियां। मैं कहा अच्छा भाई जिहड़ियां कहिड़ियां कीतियां, कहिंदा जिहड़ी पूर्व वाली है वह पूर्व ते दक्षण वाली इको टाइम ते कीती सी। चलो
विद्वाना का मतभेद कई बार होंगे। वो कहता जी जे ये जिहड़ा हिंदुस्तान का उपरला चीन के नाल लगता प्रोविंस है, नानकियान जिहड़ा प्रोविंस है वह बाबा नानक के नाम से रखा होया। मैं कहता ये बारे खोज की थी है तो ये चीन सरकार नाल गल करनी चाहिए है कि बाबा नानक उत्थे गया सी, ये उहदे नाम ते प्रोविंस का नाम पिया। मैं कुछ विद्वानों नाल गल की थी, वो कहते जी अगे बड़िया प्रॉब्लम चल रही ने, नवीं प्रॉब्लम की ना छेड़िए, पहला पहलियाँ हल कर लीए। सो यूनिवर्सिटी का कार्य की है, मैं बहुत समा लै रहा खिमें जा चुका साबर साहब जी, तुम अलाउ करो बाबा जी थोड़ी आ गया ना। बहुत मेहरबान कि ये जी गल आ कि दसम ग्रंथ दसवें पातशाह की बाणी है, ये गल कौन साढ़े विद्वान अल्टीमेटली यदा फैसला कर, 10 साल लग जाए 20 साल लग जाए खोज करा के यदा फैसला अकाल पुरख की बख्शिश नाल जरूर होएगा। रागमाला गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ है, ये जिन्हिया भी कंट्रोवर्सी ने बारे असी रिसर्च करावे लंबे पद्धर से विद्वाना तो, और ये कोई औखा काम नहीं, साडा तो हिस्टरी 400-500 साल पुरानी है। सो मैं बेनती करा कि जे असी मैं गल करा तो पंजाबी दी, तो अज प्लस टू लैवल के जिन्हें बच्चे PMT जी बीर होंगे ने वो अंग्रेजी च होंगे ने, पंजाबी मीडियम कोई नहीं है। BA BSC दी किताबां दी गल कर लीए, MA MSC दी किताबां दी गल कर लीए, PhD दे कार्ज दी गल कर लीए, साढ़े कोले पंजाबी दे हाले तक उस पद्धर असी अपनी मां बोली नूं लैके नहीं गए। अज किसे बंदे ने पोस्ट डॉक्टरल करन जानी है जर्मनी च, रशिया च, इंग्लैंड च, तो वह पहला कहिंदे साडी लैंग्वेज सिखे आओ, 9 महीने का कोर्स करो, प्रोफिशंसी लो, और वो फिर वो अपनी लैंग्वेज दे विच वो कोर्स कराउंदे ने। साढ़े कोल तां 12वीं दीआं किताबां नहीं हैगीआं। इस करके इधर पद्धर से भी सानू बहुत वड्डे उपराले करन दी लोड़ होवेगी। और वड्डी गल जे आ जाइए जे गुरु नानक दे मिशन नूं लैके जाणा है, गुरु ग्रंथ साहब जी के मिशन को लैके सारी दुनिया जाना है, तो किस तरीके लैके जावे। ये गुरु अंगद पातशाह जी ने शुरू किया काम, मैं समझदा टकसाल का मुख मनिया, उन्होंने मुढ़ मनिया, 35 अखरी शुरू की। अज बाबा जी इतने अपने पद्धर से कोशिश कर रहे हैं, होर सिख संस्थावां संपर्दावां अपने पद्धर से, संत महापुरश उदासी अपने पद्धर से कोशिश कर रहे हैं। इतों भी प्रचार के प्रसार के साडे जड़े कथावाचक ने, प्रचारक ने, रागी ने, ढाडी ने, इन संस्थावां चों निकल रहे हैं। इन्हां नूं असीं चाहुंदे हां कि किसे तरीके नाल असिमिलेट करिए, एक दिशा रखिए कित्थे लैके जाणा असीं अपने प्रचार प्रसार नूं, आपस दे विच इन्हां नूं जोड़िए। और ये काम जिहड़ा है यही काम यूनिवर्सिटियां दा है, यही काम साडे विश्वविद्यालय दा है। अज मैं बड़े माण नाल कह सकदा कि साडियां जिहड़ियां संस्थावां ने, जिद्दां साबर साहब ने दस्सिया सी, दे आर बेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। इत्थों तक कि साडे नौजवान हुण पढ़न यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भी जा रहे हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने वो दरवाजे खोल दिते ने सिख बच्चों। भैनों के भरावो, गुरु ग्रंथ साहब एक यूनिवर्सिटी पंजाब की नॉर्दर्न इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिदे 5% सिख होनहार ते लोड़वंद बच्चों लिए एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है। 5 होनहार ते लोड़वंद नॉन सिख बच्चों लिए भी बिल्कुल एजुकेशन मुफ्त है। जिन्हें SC ST बच्चे ने उन्हां वास्ते सारी विद्या मुफ्त है, जिहड़े सिंगल गर्ल चाइल्ड है उन्हां वास्ते भी मुफ्त है। असी अपने जिन्हें होर गरीब बच्चे ने उन्हां नूं वड्डे पद्धर ते असी उन्हां दी इमदाद कर रहे हैं। मैनूं बड़े माण की गल है, 2 साल होए ने यूनिवर्सिटी दे बने, साडे बच्चे चाइना च जाके साडे प्रोफेसर जाके आए हैं, कैनेडा च जाके आए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा US जाके आए हैं। क्योंकि कारण यह है, गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी का मिशन बिल्कुल अलग है दूजिया यूनिवर्सिटियां नालों। जो साडा मैंडेट है वह है कि अच्छे तो अच्छे ज्ञान देना, और गुरु जो गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है वह सारी दुनिया में पहुँचा। सो मैं अज ये जिहड़ा सेवा दे कॉन्सैप्ट की गल है, बहुत ही 2 दिन तो तुसी आप सरवण कर रहे हो, ये जिहड़ा उपराला है ये बहुत ही शलाघा योग है। मैं समझदा कि भाई कन्हैया जिहड़ा है उन्हां दी सेवा फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो कितें उच्ची है,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लाल जहाँ तुम निशान देखते हो ना एल्ब लग्या होंगे हस्पतालों के अगे, ये अंग्रेजों ने शुरू किया। जे अज भगत पूरन सिंह की गल करिए स्थान मदर टेरेसा तो कितने उच्च है, पर सिख कौम घट गिणती की है। असी ये गल दुनिया च नहीं प्रोजेक्ट कर सके। जे दुनिया को पता लगे तो वह जिदा उन्होंने सिर नवाते हैं वो इन शख्सियतों उन्होंने तो पहला सिर नवा। ये साड़ी जिहड़ी सेवा का संकल्प है, जिदा कि पहला दस के बाबे नानक ने शुरू करता, माता खीवी जी ने अगे, गुरु अंगद पातशाह जी, गुरु अमरदास पातशाह जी हो गया, गुरु अर्जन देव जी ने अगे आ गए, सारे गुरु साहबान ने किया। सो ये जिहड़ी सेवा का संकल्प है, ये नाल दी नाल ही साड़ी जिहड़ियां मिसलां सीगियां, जिवें नवाब कपूर सिंह की गल करा, वो कहिंदा भाई मैं नवाब तो बन जाऊँ पर मैं सारी सफाई मैं ही करनी है, जोड़े मैं ही साफ करने। अज जे गल करिए कोई दूजे धर्मां नूं निंदण की गल नहीं, पर तुसी अपने गुरद्वारियां दा दूजे धर्मां दे स्थानां नाल कंपैरिजन करके देख लो। साढ़े 2:30 बजे संगतां पहुँच जांदियां ने दुध लैके, पानी लैके, बाल्टियां लैके, निस्वार्थ बगैर किसी लाभ दे। वो कोई इंप्लॉयमेंट बंदे नौकरियां वाले नहीं, वो सेवा वाले ने, सेवा भाव वाले बंदे ने। ये सिर्फ तो सिर्फ साढ़े सतगुरों की देन है, गुरु ग्रंथ साहब की देन है, और वो साड़ी जिहड़ी सारे भैन भरा बच्चे जिहड़ी सेवा करते हैं, ये सिक्खी का एक साढ़े च बहुत वड्डी एक सानू विरसे च एक प्राप्त हुई है दात। ये मैं बेनती करा, मेरी एक छोटी भैन ने गल की सी अपने विरसे नूं सांभना, अपने पिछोकड़ नूं सांभना, इतिहास नूं सांभना बहुत जरूरी है। साड़ी कौम इस तों बड़ी मार खा चुकी, जिदा एक पहला स्पीकर दस के गया सी, असी जो बहुत दुर्लभ चीज़ां सीगियां वो पहला अनजाने विच असी गवा बैठे। हुण टाइम है कि असी वो चीज़ां नूं उहदा रूप मुड़ के उहनूं रिस्टोर करिए, और इहदे बारे बड़ियां सीरियस एफर्ट्स जिहड़ियां वह जथेदार अवतार सिंह ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही, कोशिश की जा रही है कि जिहड़ा ठंडा बुरज है जिते माता गुजरी जी के छोटे साहबजादे से उन्होंने मुड़ के असल स्वरूप जिदा किता भी लिया सकते हैं। दीवान टोडरवाल की हवेली में लियाइए, होर जिहड़े साढ़े धार्मिक पुरानियां साड़ियां सानू धरोहर च मिलियां गुरु साहबान दियां वस्तां उन्हों सांभ के रखिए। इहदे वास्ते असीं एक्सपर्ट्स की भी राय लै रहे हैं, थोड़े दिन पहला ही दिल्ली तो बड़े एक्सपर्ट्स आए थे यूनिवर्सिटी भी, असी अगले साल तो कोशिश करांगे शुरू करन दी कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंजरवेटिव, उहदे अधीन असी इहदे वल भी एफर्ट्स करांगे। मैं दसना चाहुंदा कि जदों सैकंड वर्ल्ड वार हुई, पहला तो गल भैनो दो भरावो कि पहली दुनिया की जंग अंग्रेजों ने सिर्फ तो सिर्फ सिख कौम के सिर पर जीती है। उहदी किताब 1876 सफ़ियां दी हुणी प्रधान साहब ने रिलीज़ की। दूजी वर्ल्ड वार विच बहुत वड्डा रोल सिखां दा सारी दुनिया में, यह गल दुनिया ते गई नहीं, फ्रांस तां ही बचा सी जे सिखां लड़ाई की। अज फ्रांस वाले कहिंदे जी तुसीं पगड़ी ना पाओ, यह इतिहास असी लोगों तक लिजा ही नहीं सके। सो जे इतिहास असी अगे लैके जावांगे तां दुनिया नूं पता लगेगा भी सिख कौम की है। सो बहुत सारियां गल्लां मैं आप जी नाल कीतियां ने, एक अद्धी गल करके होर मैं जिवें दा जा चुक होवांगा। बड़े ही दुर्लभ और बहुत ही अकाल पुरख की कृपा हुई है, बहुत ही विद्वान सच्ची सुची शख्सियत के मालक सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी ने हुणी तद श्री केसगढ़ साहब के बतौर सिंह साहब उत्ते सेवा संभाली है। सानू माण है इन्हां ते, इदां दी शख्सियतां ते। मैनूं 5-7 दिन पहला कोई बाहरों आए, वो कहिंदे तुसीं इदां दे बंदे नहीं लभ सकते जिहड़े कितें दुनिया दे जाण ते उहनां दी लोक गल, जिवें अनुराग जी ने कहा सी कोई विवेकानंद होवे, कोई डॉक्टर राधा कृष्ण होवे, इदां दी गल सारी दुनिया उहनां दी ध्यान नाल सुणे। सो इदां दा टाइम आ गया भैणों ते भरावो, ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज, ये टकसालां इदां दे विद्वान पैदा कर रही ने, और जिहड़े दुनिया च जा के सिक्खी दा सुनिया ते सिक्खी दा संदेश दे सकणगे। जिहड़े सुझाव कोई नौजवानां ने दित्ते ने मैं नोट कर लिया, पुराने खरड़े उन्होंने एकत्र करना, उन्होंने सामभण बारे
डिजिटलाइजेशन बारे रिसर्च मटीरियल बारे होर भी इदा दे एक जिहड़ी गल मेरे वीर साबर साहब ने कही है गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े सरूप ने दुर्लभ सरूप ने वो असीं कोशिश कर रहे हैं। सानू एक ऑफर हुई है सिख जेंटलमैन वेलों उन्होंने कोल सब तो पहला उर्दू का लिखा हुआ गुरु साहब का सरूप है चंडीगढ़ विच ने उन्होंने पेशकश की है वो बहुत जल्दी असी गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी चले आ रहे हैं। इदा ही आप जी भी बेनती है जिथे कितने दुर्लभ खरड़े सरूप बाबा जी दे जिथे कितने भी होन वो सानू जरूर दसो असी जरूर कोशिश करांगे कि यूनिवर्सिटी के विच इदा दी जो आने वाली जनरेशन वास्ते समगरी पैदा कर सकीए उदा दी चीज़ां इकट्ठियां कर सकीए जिहड़ियां साडी कौम लई अगे प्रेरणादायक हो सकन। मैं पहली बारी आ जिथे आया मैं पहला नहीं आ सकिया मैं पहले बाबा जी नूं सचखंड बाबा सुच्चा सिंह जी नूं जरूर उन्होंने दर्शन किए सन। ये मेरा सुभाग है ये मैनूं बड़ा माण दिता है अज जवद्दी टकसाल ने बाबा अमीर सिंह जी ने इस समागम की प्रधानगी करन लई और मैनूं बड़ी खुशी हुई जदों टैलीफोन आया डॉक्टर साबर जी का कि वो सारा इत्थे प्रबंध बाबा जी की देखरेख हेठां कर रहे हैं। सो भैणों तों भरावो इन्हां बेनतियां करके ये जिहड़ा उपराला है जिद्दां इन्हां ने एक धर्म नूं विद्या दे नाल ज्ञान दे नाल जोड़न की कोशिश है ये बहुत ही शलाघायोग उपराला है और मैं दिलों इन्हां दा बहुत ऋणी हाँ और असीं इन्हां तों सीध लवांगे कि किद्दां आपां रल के अगे ये जिहड़ी गल सिखी दी है ये सारी दुनिया तक गुरु ग्रंथ साहब जी का सुनेहा पहुँचावांगे। इन्हां बेनतियां करके किमां दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।